आइए केमिस्ट्री एकेडमी में वेलकम व्यूअर्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड इट्स टाइप्स। व्यूअर्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं? दीज आर द एनर्जी स्टोरेज डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाउ दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन सेल्स, इसको हम स्टडी करते हैं कि किस तरह ये कंपोजिट होती है। व्यूअर्स, टाइप्स हम देखते हैं पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। दो तरह के होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल्स। व्यूअर्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टाइप इसकी इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलिटिक नाम से ही हमें पता चलता है व्यूअर्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रोलिसिस, इसको हम व्यूअर्स ब्रेक कर किस तरह भी मेंशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिक वर्ड जो है डिराइव किया गया लाइसिस से, जिसके मीन्स होते हैं ब्रेक होना, किसी भी चीज का ब्रेक होना बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डिफाइन किया जाता है कि दो सेल्स इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस टेक्स प्लेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब व्यूअर्स, यूजुअली सेल के अंदर जो सब्सटेंस सॉल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में लिया जाता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं कि दो सब्सटेंसेस विच आयोनाइजेस कंप्लीटली और पार्शली बाईपासिंग इलेक्ट्रिक करंट, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। सेल्स के अंदर जो सब्सटेंस लिया जाता है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब ये हमने फर्ज करें सेल के अंदर एक सब्सटेंस लिया, जब करंट पास किया जाएगा तो वो आयोनाइज होगा। इस प्रोसेस को हम कह देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, के आयोनाइजिंग ऑफ अ सब्सटेंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, इसको इलेक्ट्रोलिसिस कह देते हैं हम। और बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में किस किस्म के रिएक्शंस होते हैं। होते तो रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन किस वजह से होते हैं वो, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस हमने कहा कि खुद को खुद नहीं होते। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं दोज रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट या विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। यहाँ पे जो हम एक्सटर्नल एजेंट यूज कर रहे हैं वो है व्यूअर्स इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि इसका प्रिंसिपल भी है। अभी बस एक जनरल इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखते हैं हम उसकी कंस्ट्रक्शन में कि क्या होता है सेल। व्यूअर्स, ये एक हमारे पास सेल है, कंटेनर सेल का नाम है। इसके अंदर टू इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो अटैच है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, उसे हम कहते हैं एनोड। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन बकोपजीर होते हैं। और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है उसे हम कहते हैं कैथोड, क्योंकि इसके ऊपर रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस होते हैं। अभी वर्ष फर्स्ट करें, अंदर हमने एक सब्सटेंस लिया है इलेक्ट्रोलाइट, जो कि मोल्टन फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में। तो इसकी ये कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग ये किस तरह करते हैं उसके मेन स्टेप हम नोट करते हैं कौन से होते हैं। फर्स्ट स्टेप वर्किंग में व्यूअर्स हम लेते हैं कि अगर हम वर्किंग को स्टडी करना चाहें किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो फर्स्ट है कि बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट आयोनाइजेशन ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट विद इन द सेल टेक्स प्लेस। आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट है आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद इन द सेल। अभी बस जैसे ही आयोनाइजेशन होगी, दो तरह के आयन्स बनते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन्स हैं वो मूव करेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी एनोड की तरफ। तो हम लिख सकते हैं कि नेगेटिव आयन्स मूव टूवर्ड्स एनोड विद इन द सेल। व्यूअर्स, जैसे ही नेगेटिव आइंस एनोड की तरफ मूव करेंगे उनकी ऑक्सीडेशन होगी वहां पे, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज होंगे यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए कैथोड की तरफ आएंगे, और यहाँ पे मौजूद हैं पॉजिटिव आइंस। पॉजिटिव आइंस मूव करते हैं कैथोड की तरफ, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और उनकी होगी रिडक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि सेल के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन एनोड पे वकूपजीर होते हैं और रिडक्शन रिएक्शंस कैथोड पे वकूपजीर होते हैं। मतलब कोलेक्टिवली साइमल्टेनियसली हम इसे कह देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि डेफिनेशन में भी मेंशन है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस बायपासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सेल्स। तो ये व्यूअर्स जनरल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग थी। अब इसी वर्किंग को हम एक एग्जाम्पल के साथ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। और एग्जाम्पल हमारे पास है व्यूअर्स डाउन सेल की,
ये डाउन सेल की एक सिंपल सी डायग्राम ड्रा की गई है आपके सामने, जिसे अगर हम लेबल करना चाहें तो व्यूवर्स, ये हमारे पास सेंटर में ग्रेफाइट और कार्बन का एनोड है, जिसे कनेक्ट किया गया है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ये पॉजिटिव साइन यहां पे मेंशन है। और व्यूअर इसकी सराउंडिंग में ये सर्कुलर फॉर्म में आयरन कैथोड है, नेगेटिव चार्ज और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। अब व्यूअर्स ये जो दोनों तरफ ड्रॉ किया गया डॉटेड लाइन है, ये बेसिकली आयरन गाज है जो सर्कुलर फॉर्म में है, इसलिए हम इसे बोर्ड के ऊपर सेपरेट ड्रॉ किया गया आपके सामने, ताकि क्लियरली आप इसे देख सकें। इसके ऊपर एनोड के ऊपर एक डोम शेप डायफ्राम है जो कि कलेक्शन के लिए है, गैस की कलेक्शन के लिए, यानी कोई भी मटेरियल गैस फॉर्म में जब रिलीज होगा एनोड पे तो वो हम यहां से उसे कलेक्ट करेंगे। व्यूअर ये साइड पे एक कैच बेसन है जिसमें हम कोई भी मेटल जो एक्सट्रैक्ट करते हैं डाउन सेल के थ्रू वो इसमें हम कलेक्ट करते हैं। व्यूअर ये ओपनिंग है इनलेट जिसमें हम मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। व्यूअर डाउन सेल यूजली यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, तो इसमें हम मोल्टन NaCl लेते हैं सोल्यूशन फॉर्म में नहीं यूज करते। तो पहले भी डेफिनेशन डिफाइन कर चुके हैं हम इलेक्ट्रोलाइट की के सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस विच आयनाइजेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे ही मोल्टन NaCl हम डाउन सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा रिवर्स आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे ही करंट पास होगा बेसिकली प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू आयोनाइजेशन होगी, ये हम इसको इस फॉर्म में लिख लेती हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे ही करंट हमने पास किया तो आयन्स बने यानी आयोनाइजेशन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। व्यूअर्स बैलेंस करने के लिए हम इसे जरा टू के साथ लिख लेते हैं ताकि आसानी रहे हमें इक्वेशन बैलेंस करने में। अब व्यूअर्स जैसे ही हमने सेकेंड स्टेप देखा कि नेगेटिव आयन्स मूव टुवर्ड एनोड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो नेगेटिव आइंस इसमें हमारे पास है क्लोराइड आइन, तो हम लिख देंगे एट एनोड, कि एनोड के ऊपर ये नेगेटिव आइंस एनोड पे मूव करेंगे और एनोड पे रिएक्शन व्यूअर्स कौन से होते हैं ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो ये क्लोरीन गैस बनेगी इलेक्ट्रॉन लूज करके, एक क्लोरीन एटम के ऊपर चार्ज है माइनस वन, एक क्लोरीन का आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो बैलेंस करने के लिए हमने टू लिखा है यानी टू क्लोरीन आयन है, टू क्लोराइड आयन, ये टू इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, क्लोरीन गैस जो बनेगी रिवर्स वो ये एनोड से हम कलेक्ट कर लेंगे, जो कि पहले मैंने बताया था आपको कि डोम शेप स्ट्रक्चर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं डाउन साइड में फॉर द कलेक्शन ऑफ गैस जो भी हम यूज करें। तो इस पर्पज के लिए हमने यूज किया NaCl यानी क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी, ये हमारे पास बेसिकली बाई प्रोडक्ट भी है जिसकी हमें इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि डाउन सेल जो है ये सोडियम मेटल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। सेकंड व्यूअर स्टेप जो हमारे पास है वो है पॉजिटिव आयंस मूव टुवर्ड कैथोड, यानी कि जो पॉजिटिव आयंस बने हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं एट कैथोड, कैथोड पे रिएक्शन किस किस्म के होंगे, यहां पे हमारे पास है पॉजिटिव आयंस सोडियम आयंस, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे मतलब रिडक्शन रिएक्शन है, तो ये बनेगा सोडियम मेटल जो यहां से मूव करते हुए इधर कलेक्ट होगी, और हम कह सकते हैं कि डाउन साइड इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल। अभी वो एनोड पे रिएक्शन हुए ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिएक्शन हुआ रिडक्शन, दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हुए तो हम कहते हैं इसे रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस, इसलिए कि जब तक इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा रिएक्शन इसमें वो कोपोजिट नहीं होंगे। तो व्यूअर्स ओवरऑल रिएक्शन अगर इसका हम देखें तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये 2NaCl चेंज इनटू 2 सोडियम एटम और क्लोरीन गैस, ये ओवरऑल रिएक्शन है। अभी व्यूअर्स हम इसे देख सकते हैं कि किस तरह हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
केमिकल एनर्जी में चेंज किया है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आईए केमिस्ट्री अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह नए नए लेक्चर वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।